हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखने वाले हैं और इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक एक टर्म को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साथ ही साथ इसमें कौन सा पार्ट होता है, अपोजिट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, अपोजिट एंगल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या है, और साथ ही साथ क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ डायगोनल कितना होता है, चारों एंगल का सम जो आता है आपका 360 डिग्री होता है, उसका डेरिवेशन यानी एक एक एनालिसिस जो है क्वाड्रिलेटरल का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल आखिर है क्या, यानी सबसे पहले जो है हम लोग क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल को अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा एक पॉलीगोन का पार्ट है। पॉलीगोन आपको पता होगा कि पॉलीगोन को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि ए सिंपल क्लोज फिगर विच इज़ बाउंडेड बाय थ्री और मोर लाइन सेगमेंट इज नोन एज ए पॉलीगोन। सिंपल क्लोज फिगर का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हम फिगर बना रहे हैं, यहाँ पर एक फिगर बना रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए क्लोज है कि नहीं, तो क्लोज डेफिनेटली है। लेकिन अगर बोल रहे हैं कि सिंपल है कि नहीं तो सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है? चूँकि लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कट कर रहा है, तो सिंपल क्लोज फिगर में कभी भी एक लाइन सेगमेंट दूसरे को कट नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारा सिंपल क्लोज फिगर नहीं है, यानी कभी भी पॉलीगोन में नहीं आएगा। अब होता क्या है कि सिंपल क्लोज फिगर से अगर हमको बाउंडेड करना है लाइन सेगमेंट के सहायता से, तो इसके लिए एक लाइन सेगमेंट लेंगे तो बंद नहीं हो पाएगा, दो लेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, कम से कम कितना लेना पड़ता है तो तीन, और यही हमारा ट्रायंगल कहलाता है। इसके बाद अगर हम लोग चार लाइन सेगमेंट ले लेते हैं तो हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, यानी इसलिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये सिंपल क्लोज फिगर विच इज़ बाउंडेड बाई फोर लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज ए क्वाड्रिलेटरल। यानी यहाँ पे जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन लिखेंगे तो इस चीज़ को लिख सकते हैं, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाई फोर लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज ए क्वाड्रिलेटरल। यानी एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो कि कितने लाइन सेगमेंट से बाउंडेड किया हो, तो चार लाइन सेगमेंट से बाउंडेड किया हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा पॉलीगोन का ही पार्ट होता है। तो जैसे एक हम नॉर्मली कोई क्वाड्रिलेटरल बना दिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल दिए ए है, बी है, सी है, डी है। अब सबसे पहले इधर कुछ बेसिक चीज़ देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लिखते हैं एस आई डी साइड, तो ये हमारा सिंगुलर है, तो जब इसका हम प्लूरल करते हैं, प्लूरल का मतलब एक से अधिक, तो इसको हम लोग लिखते हैं साइड्स, ठीक है। फिर अगर हम बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, तो आपका सिंगुलर है, लेकिन जब इसका हम प्लूरल करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो वर्टिसेज लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं एंगल, तो ये हमारा सिंगुलर है, जब इसका हम लोग प्लूरल करते हैं, प्लूरल, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो एंगल्स लिखते हैं। एंगल्स को ऐसे भी लिखा जाता है, एंगल का सिंबल बना करके और अंदर में स्मॉल एस डाल दिया जाता है, ये भी इसको भी हम लोग एंगल्स पढ़ते हैं। फिर हम लोग लिखते हैं डायगोनल, तो ये हमारा सिंगुलर है, लेकिन वहीं इसका जब प्लूरल करते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डायगोनल्स, डायगोनल्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ए बी सी डी, तो जब भी नेमिंग करना है तो एक तरफ से ही चलना, जैसे ए बी सी डी, या फिर इधर से आना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं साइड्स का, तो क्वाड्रिलेटरल के पास नंबर ऑफ साइड जो होता है फोर होता है। पहला जो साइड है आपका ए बी है, इसके बाद जो है बी सी है, फिर आपका सी डी है और डी ए है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्टिसेज का, तो वर्टिसेज यानी कि जहाँ दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो यहाँ पर एक वर्टेक्स हमको मिला, यानी वर्टिसेज में ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं एंगल्स का, तो एंगल्स का बात करते हैं, तो इसमें हमारा एक एंगल ए हो जाता है, एक हमारा एंगल बी हो जाता है, एक हमारा एंगल सी हो जाता है और एक हमारा एंगल डी हो जाता है। डायगोनल का बात करते हैं, तो इसके लिए अपोजिट वर्टेक्स को मैच करना होगा, ठीक है। तो डायगोनल का फॉर्मूला भी आपको पता होगा कि पॉलीगोन में एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्वाड्रिलेटरल में क्लियर दिख रहा है कि पहला डायगोनल ए सी है और दूसरा डायगोनल क्या है, बी डी है। यानी इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम लोग डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं
तो पहला डायगोनल AC हो जाएगा और दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल का पार्ट हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल में जो चार एंगल होता है, इन चारों एंगल का इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इसका वैल्यू जो होता है 360 डिग्री होता है। तो इस वीडियो में उसका हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट साइड क्या होता है, फिर अपोजिट साइड क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, देन हम लोग उस डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इन सब चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो पहले आते हैं एडजेसेंट साइड, पहले जो है हम लोग आते हैं किसमें, तो एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट का मतलब एक तरीका से आप पड़ोसी समझिए, यानी कि अगल बगल का साइड, ठीक है। तो जैसे अगर हम एक चीज़ ध्यान रखना कि एडजेसेंट में एक साथ दो ही साइड बनेगा, इन्हें कि तीन को पड़ोसी होगा, ये पॉसिबल नहीं है। यानी ए बी के एडजेसेंट में या तो बी सी लिख सकते हैं या फिर ए बी के एडजेसेंट में आप ए डी लिख सकते हैं। तो हम एक तरफ से सबको लिखते आते हैं, कोई छूटेगा नहीं। तो ए बी और बी सी, यानी जो आपका साइड है ए बी और बी सी, दोनों को अगर एक साथ करें तो एक एडजेसेंट का पेयर बन जाएगा। फिर बी सी और सी डी को अगर एक साथ करते हैं, बी सी और सी डी, तो दूसरा पेयर बन जाएगा। फिर सी डी और डी ए को एक साथ करते हैं तो हमारा तीसरा पेयर बन जाएगा। और अंत में जो है डी ए और फिर ए बी को एक साथ करेंगे तो चौथा पेयर बन जाएगा। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। यानी पहला ए बी और बी सी एक पेयर, फिर बी सी सी डी दूसरा पेयर, सी डी डी ए तीसरा पेयर, डी ए और ए बी चौथा पेयर, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि एडजेसेंट साइड का फोर पेयर होता है क्वाड्रिलेटरल के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं अपोजिट साइड्स के बारे में। अपोजिट साइड्स, तो अपोजिट नाम से ही क्लियर है, यानी आमने सामने का साइड होना चाहिए। तो अगर हम ए बी के अपोजिट में बात करते हैं तो ए बी के अपोजिट में कौन है, डी सी, या आप इसको बोल सकते हैं कि डी सी के अपोजिट में ए बी है। फिर इसके बाद अगर हम बी सी के अपोजिट में बात करते हैं तो ए डी, या बोल सकते हैं कि ए डी के अपोजिट में कौन है, तो बी सी है। तो अपोजिट साइड का जो पेयर होगा सिर्फ और सिर्फ दो होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। तो एडजेसेंट एंगल वही अगल बगल का एंगल, जैसे एडजेसेंट साइड हम लोग लिए हैं। तो एडजेसेंट एंगल में ए का जो है किसके साथ पहला पेयर बनेगा, तो बी के साथ, यानी लिखेंगे एंगल ए कोमा एंगल बी। फिर इसके बाद बी का जो है सी के साथ बन सकता है, तो एंगल बी कोमा एंगल सी, फिर एंगल सी कोमा एंगल डी, और अंत में जो है एंगल डी कोमा एंगल ए। यानी इसमें कितना पेयर बना, तो टोटल फोर पेयर बना। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अपोजिट अपोजिट एंगल्स के बारे में। तो अपोजिट एंगल यानी जो आमने सामने एंगल है, तो आपका जो एंगल ए है इसके अपोजिट में जो है एंगल सी हो जाता है, और फिर आपका जो एंगल बी है इसके अपोजिट में क्या हो जाता है, तो एंगल डी हो जाता है। तो ये आपका हो गया एडजेसेंट साइड एडजेसेंट एंगल्स एंड अपोजिट एंगल्स के बारे में। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो होता है चारों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है आपका 360 डिग्री होता है। तो इस चीज़ को हम लोग डेरिवेशन के साथ समझेंगे कि 360 डिग्री आखिर क्यों होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना आपको, पहले इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं, देन इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन के तौर पे इसको हम डालते हैं बना करके, यानी क्वाड्रिलेटरल जो है इस पर। तो लिखेंगे क्वेश्चन यहाँ से कि प्रूफ डैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कितना, तो 360 डिग्री। यानी हमको प्रूफ करना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चार जो इंटीरियर एंगल होता है, इन चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेंगे। ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, यहाँ कोई टाइप वगैरह का हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि पी की वारेस जो है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें हमको शो करना है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस, यानी इन चारों का सम कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। तो आइए सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया क्या है हमको। तो लिखेंगे गिवेन पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल, यानी दिया हुआ कि पी क्यू आर एस आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके बाद लिखते हैं कि हमको इसमें प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूफ में हम डालेंगे कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस, इसका सम कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। तो
तो सबसे पहले हम लोग गिवन डालते हैं, इसके बाद हमको क्या प्रूफ करना है डालते हैं। अब इसमें देखते हैं कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट है तो उसको करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग ट्रेंगल का हेल्प लेने वाले हैं। तो पी से आर को ज्वाइन करेंगे, पी से जो है आर को ज्वाइन करेंगे, यानी इसका डायगोनल है, तो क्या करेगा इसको दो ट्रेंगल में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो आपको पता है कि ट्रेंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो इस एंगल को हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, फिर इसको हम 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं और इसको 6 मान लेते हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन के तौर पर हम क्या किए, तो पी से आर को ज्वाइन किए। तो यहाँ डालेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में इस चीज़ को मेंशन करना होगा, तो लिखेंगे ज्वाइन पी आर, यानी पी से आर को ज्वाइन कर लिए। अब आते हैं हम प्रूफ में। तो जब पी से आर को ज्वाइन किए तो दो ट्रेंगल में बट गया, एक ट्रेंगल पी क्यू आर और एक ट्रेंगल पी एस आर, एक एक करके दोनों में आते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल पी क्यू आर, तो किसी भी ट्रेंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी 1, 2, 3 इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। फिर आएंगे अगला ट्रेंगल, यानी लिखेंगे इन ट्रेंगल पी एस आर, इसमें भी तीनों का सम, यानी कि कौन कौन एंगल है, तो 4 है, 5 है, 6 है, इन तीनों का भी सम कितना, तो 180, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब देखिए आपको प्रूफ करना है कि एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S 360 होगा। तो P का बात करें तो इसमें दो एंगल है, एक 1 है, एक 4 है। Q का बात करेंगे तो सिर्फ 2 है, R का बात करेंगे तो 3 और 5 है, और S का बात करेंगे तो 6 है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करते हैं, तो LHS LHS के साथ ऐड होगा, RHS RHS के साथ। तो यहाँ से लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो फर्स्ट का LHS में क्या क्या है, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 है, और सेकंड का जो LHS है इसमें क्या क्या है, तो 4 प्लस 5 प्लस 6 है। फिर फर्स्ट का RHS क्या है, तो 180, और सेकंड का भी RHS तो 180। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से मैनेज कर लेंगे। तो एंगल P के लिए हमको 1 और 4 चाहिए, तो 1 को यहाँ से ले लेते हैं और 4 को यहाँ से ले लेते हैं, यानी एंगल 1 प्लस 4 एक साथ लिख लेंगे। Q के लिए एंगल 2 चाहिए, तो 2 यहाँ से ले लेते हैं। फिर इसके बाद R के लिए 3 और 5 चाहिए, तो 3 यहाँ से और 5 यहाँ से, तो 3 प्लस 5 को एक साथ लिखेंगे। और S के लिए एंगल 6 चाहिए, तो 6 बच रहा है, इसको लिख देंगे, और इधर ऐड होकर के आपका 360 हो जाएगा। सबको मैनेज कर लिए। अब एंगल 1 प्लस 4 के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो एंगल P, एंगल 2 के बदले में सिर्फ क्या है, तो Q है, 3 प्लस 5 के बदले में तो R है, और 6 के बदले में S है, इक्वल कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री, यानी एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S इक्वल कितना हो गया, तो 360 डिग्री हो गया। यानी हम लोगों ने डेरिवेशन देख लिया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, चाहे क्वाड्रिलेटरल का कोई भी टाइप हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें चारों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा ये 360 डिग्री होगा। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलीगोन में, वो आपका ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागोन, हेक्सागोन, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ये ऑलरेडी आपका 360 डिग्री ही होता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक इतना ही, थैंक यू।